हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फन फूड्स विद शिफा। मैं हूँ शिफा और आज आपके लिए लेके आई हूँ मलाई बोटी की एक बहुत ही डिफरेंट रेसिपी। ये ढाबा स्टाइल की है, थोड़ी बहुत जो नॉर्मल होती है वैसी नहीं है और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनती है। तो जल्दी से चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 100 ग्राम चिकन बोनलेस। अब मैं इसको थोड़ा पाउंडिंग कर दूँगी, मेरे पास हैमर नहीं था तो मैं बस उल्टे चम्मच से इस पर ऐसे हिट कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा जूसी हो जाए। अक्सर टिक्का बोटी के लिए ऐसे करें तो बहुत जूसी चिकन बनता है। तो ऐसे ही सारों को कर लेंगे। अब ये पाउंड होके रेडी हो गया है। अब हम एक हरा मसाला इसके लिए प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए मैंने ली है 6 हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया और 10 से 12 होल काजू, अखा काजू है। इसका पेस्ट ऐसे बना लेंगे। पेस्ट बना के ये हम लोग अब अपने चिकन में डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। एक आधा नींबू का जूस इसमें निचोड़ के डाल देंगे। अब डालेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून चाट मसाला। अब अच्छे से मिला लेंगे। अब जब अच्छे से सारी चीज़ें मिल जाए तो हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दही के। और डालेंगे आखिर में 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला के हम लोग मैरिनेट होने के लिए इसको साइड पे आधे घंटे के लिए रख देंगे। या आप ओवरनाइट प्रिपेयर करके फ्रिज में रखना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं। आधे घंटे बाद इसको फ्राई करेंगे। उसके लिए लेंगे 1 टेबलस्पून तेल फ्राइंग पैन में, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मस्का यानी बटर। अब जब मस्का अच्छे से पिघल जाए तेल में, इसको अच्छे से हम मेल्ट होने देंगे। फ्लेम इस वक्त मीडियम रखेंगे, अगर हाई रखेंगे तो मस्का जल जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पे इसको मेल्ट होने के लिए अच्छे से देंगे। अब ये मेल्ट हो गया है तो चिकन के पीसेस इसमें हम एक एक करके डाल देंगे। सारों को अच्छे से डाल देंगे। ये डालते वक्त भी हमारी फ्लेम मीडियम ही रहेगी। अब जो भी मैरिनेट प्रिपेयर्ड था मैंने वो भी इसके ऊपर अच्छे से डाल दिया है। अब हम फ्लेम को कर देंगे थोड़ा लो और इसको ढक के तकरीबन 10 मिनट के लिए हम ऐसे लो से मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख देंगे। अभी 10 मिनट बाद हम लोगों को इसका जो ये पानी है ना ये सुखाना है। तो हम लोग लिड उठा के अभी इसको हाई फ्लेम पर पानी सूखने के लिए रख देंगे, क्योंकि चिकन ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है। ये मैरिनेट भी थी तो ये ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है अच्छे से, अभी सिर्फ पानी सुखाना है हमें। तो इसको हाई फ्लेम पे ऐसे ही खुला छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट बाद देखिए ऐसे पूरा जो भी ये मैरिनेट है ये सूख जाएगा। तो अब ये रेडी हो गया है, इसको हम लोग कर लेंगे ग्रिलिंग। तो उसके लिए हम लोग एक ग्रिल रैक लेंगे, उसको गैस पे रख देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप डायरेक्टली चमटे से एक एक चिकन का पीस उठा के ऐसे इसको ग्रिल कर सकते हैं डायरेक्ट गैस पे। ऐसा करने से इस पे बहुत अच्छे ग्रिल मार्क्स आते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है, एकदम तंदूर स्टाइल का लगता है। तो आप ये स्टेप ज़रूर करिएगा।
ये एक साइड पे हो चुका है, देखिए कितने अच्छे इस पे ग्रिल मार्क्स आ चुके हैं और ये बहुत ही अमेजिंग लगता है दिखने में भी और खाने में भी। अच्छे से इसको लो फ्लेम पे ही हर साइड से इसको हम लोग ग्रिल कर लेंगे गैस पे। अब ये हो चुका है तो एक एक करके हम लोग इसको प्लेट पे निकाल लेंगे। देखिए ये कितने अच्छे से प्रिपेयर्ड हो चुका है, ग्रिल मार्क्स भी अच्छे से आ चुके हैं और ये बहुत ही जूसी और टेस्टी लग रहा है। अगर आपके पास नहीं हो ग्रिल रैक तो ऐसे ही डायरेक्टली आप गैस पे इसको थोड़ा सा रोस्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं इसकी एक सेमी सॉस प्रिपेयर करने के लिए, सेमी लिक्विड टाइप। उसके लिए लेंगे 1 टेबलस्पून मस्के का, 2 टेबलस्पून डालेंगे इसमें फ्रेश क्रीम। अब इसकी एक हल्की सी ऐसी सॉस प्रिपेयर कर लेंगे, लो फ्लेम पे ही करेंगे वरना ये मस्का और क्रीम जल जाएगा, तो लो फ्लेम पे इसको बना देंगे। अब डालेंगे हल्का सा नमक, मैंने बस एक चुटकी भर नमक डाला है, थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर, जस्ट अ पिंच, और अच्छे से मिला लेंगे इसको। ये जो सॉस के साथ ये चिकन जब मिल जाती है ना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, एकदम ढाबा स्टाइल का वो इसमें टेस्ट और इफ़ेक्ट आता है। अब चिकन को डाल देंगे और इसको अच्छे से कोट कर लेंगे चिकन के ऊपर, तो बस हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से ऐसे थोड़ा 1-2 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे और ये रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। और ये इतना टेस्टी और दिखने में भी इतना अच्छा लग रहा है, आप इसको पराठे में डाल के पराठा रोल जैसे भी खा सकते हैं। उसकी रेसिपी मैंने आई बटन में डाल दी है, ज़रूर आप चेक करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ, टिल देन डू टेक केयर एंड गुड बाय।